नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं यदि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा के अंदर है तो उस प्रवेश द्वार के आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है। और इसके साथ साथ हम आज बात भी करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में मिलने वाले दुष्प्रभावों को, जो प्रवेश द्वार के द्वारा आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, उनको किस प्रकार से आप महावास्तु की सीधी सरल पद्धति के द्वारा प्रभावी और चमत्कारी उपायों के द्वारा निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम बात करेंगे एंट्री के इफेक्ट की और उसके बाद में हम बात करेंगे कि उनका क्या प्रभावी उपचार है, वो भी बिना तोड़फोड़ का। ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार है S1 की जगह पर, तो S1 की जो एंट्री है ना, वह बनती है अनिल नाम के देवता फील्ड पर। और इस घर में रहने वाले लड़कों, विशेष तौर से जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनके विकास पर यह बुरा प्रभाव डालती है। बच्चों का जो व्यवहार है वो आमतौर से माता पिता की इच्छा के विपरीत होने लगता है। यदि आपके घर का प्रवेश द्वार है S2 की जगह पे, S2 की जो एंट्री है वह बनती है पुष्य नाम के देवता फील्ड पर, और यह व्यापारियों के लिए अशुभ होती है। लेकिन जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए यह एंट्री आमतौर पर ठीक ही रहती है। S3 की एंट्री आपके जीवन के अंदर अत्यंत ही सफलता और समृद्धि देने वाली है, क्योंकि यह एंट्री बहुत ही लाभकारी मानी गई है। और इस एंट्री के अंदर जो लोग निवास करते हैं, जिनके घर की एंट्री है S3 के अंदर, ऐसे भवन में रहने वाले लोग जो है वो साम दाम दंड भेद चारों ही नीतियों के द्वारा अपना काम निकालने में दक्ष होते हैं, क्योंकि यह वितत नाम के देवता फील्ड पर बनती है। और यदि आपके घर की एंट्री जो बनती है S4 पे, गृहस्पत्य नाम के देवता फील्ड पर यह एंट्री बन गई, और यह जो एंट्री है वह फैक्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए बहुत ही समृद्धिदायक रहने वाली है। तो यदि आपका कोई उद्योग है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आपको यदि पॉसिबल हो तो S4 की एंट्री जरूर बनानी ही चाहिए। छोटा अगर प्रवेश द्वार भी यहाँ पे बना लेंगे ना, तो भी आपकी उस फैक्ट्री के अंदर बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों के यहाँ पर लड़कों का जन्म ज्यादा होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन के अंदर कर्ज मुक्ति से बहुत सारी बाधाएं आती जा रही हैं, भवन के जो निवासी है वो अपनी सार्थक जो बुद्धि जो है, अपनी बुद्धि का सार्थक उपयोग करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो पक्का देखें कहीं आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार S5 पर तो नहीं बना हुआ है। यम की यह देवता फील्ड है, और यह देवता फील्ड यहां पर जब आप प्रवेश द्वार बना देते हैं तो यह कर्ज कारक रहती है, कर्ज को बढ़ावा देती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कर्ज उतरता क्यों नहीं है, क्योंकि इस भवन में रहने वाले लोग जो है ना, वो अपनी बुद्धि का जो उपयोग, सार्थक उपयोग कर लेना है ना, उसमें अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो इसका यह बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। और यदि आपके घर की एंट्री जो है, जो मुख्य प्रवेश द्वार जो है, वो बना हुआ है S6 के अंदर, गंधर्व नाम के देवता फील्ड की यह जगह है, और यह अत्यधिक दरिद्रता का कारक होता है। और इसकी वजह से आपको जो जीवन में अनुभव मिलते हैं वो क्या होता है कि बिना वजह, बेवजह नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान जो है ना, वो इस देवता फील्ड का कारक होता है। भवनों के बिकने तक की नौबत आ जाती है यदि S6 के अंदर आपकी एंट्री है। और यदि आपने अपने घर का मुख्य प्रवेश द्वार बना रखा है S7 के स्थान पर, तो S7 की जो जगह होती है वह होती है भृंगराज की। तो भृंगराज देवता फील्ड पर बना हुआ प्रवेश द्वार आपके जीवन के अंदर निष्फलता देता है। आपका हर श्रम, हर प्रयास जो है ना, वो असफल होना शुरू हो जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके द्वारा किए गए प्रत्येक काम का फल उसे उल्टा मिलने लगे, अथवा निष्फल होने लगे उसके सारे प्रयास, तो उसको जीवन से भी उकताहट होने लगती है। तो यह भी आप फील करेंगे कि जीवन से ऊब गए हैं। और यदि बनी हुई है एंट्री आपके घर के S8 में, यह है मृग की एंट्री, और यह सर्वाधिक गलत प्रवेश द्वार है, क्योंकि यहां पर बना हुआ प्रवेश द्वार आपको आपके वंश से एक बार एक तरीके से काट देगा, धन की बहुत बड़ी मात्रा में आपको हानि देगा, और जीवन के लिए भी यह एक खतरे का कारक होता है। तो अपने घर की एंट्री को खूब अच्छे से देखें,
बढ़िया 2D स्केल मैप बना करके डिग्री के हिसाब से आप देखें। यदि आपको लगता है कि मुझे प्रवेश द्वार मिल नहीं रहा है, मेरा यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो ये जो मैंने सिम्टम बताए हैं उनको अपने घर में मिलान करके देखें, और जो सिम्टम आपके घर में मिल रहा है बस वही आपकी एंट्री है। तो ये आपने नोट कर लिया कि ये मेरे घर की मुख्य एंट्री है। तो अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं बिना तोड़फोड़ वाले? यदि आपने गलत प्रवेश द्वार बना रखा है तो उसके जो उपाय हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पहला, यदि S1 की एंट्री है तो इसको आप रेड कलर से ब्लॉक कर सकते हैं, S2 को ग्रीन कलर की 3 इंच चौड़ी पट्टी से आप ब्लॉक कर सकते हैं। यह ध्यान में रखना है जो प्रवेश द्वार के जो पिलर बने हुए हैं, मानो कि ये पिलर है, नीचे ये धरती है, तो इस पिलर के इधर भी आपने 3 इंच वो उस टेप को या कलर को चढ़ाना है, और फिर पूरी दहलीज पे करके इधर वाले पिलर के ऊपर भी आपने चढ़ाना है। ये मेक श्योर करना है कि उस पट्टी के अंदर, उस कलर पट्टी के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई गैप ना हो। तो S2 में ग्रीन कलर, S3 और 4 आपके जीवन में शानदार देने वाले हैं रिजल्ट, इसलिए उनके क्या उपाय करेंगे। S5 के अंदर पीली पट्टी करनी चाहिए, S6 के अंदर सफ़ेद पट्टी करनी चाहिए, S7 और S8 के अंदर यदि आप रेड पट्टी कर देंगे, रेड कलर से उसे ब्लॉक कर देंगे, तो इससे मिलने वाले दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में ब्लॉक हो जाएंगे। महावास्तु के इन सीधे सरल उपचारों के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर खूब सारा सॉल्यूशन, खूब सारा सुख समृद्धि अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सियाराम।